जापान में बेहद शक्तिशाली तूफान हगिबिस ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अब तक 73 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तूफान के शनिवार को तट से टकराने की आशंका है। जापान में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि जापान में 1958 में इसी तरह के तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। जापान सरकार ने इससे निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और काफ़ी पहले से एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन भी देखा गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। जापान में रग्बी विश्व कप के सभी मैच रद्द कर दिए गए हैं और खिलाड़ियों को वापस भी भेज दिया गया है।